रख दिया कर तने कुफर को काट कर, बोल तलवार हजरत उमर फेंक कर। अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे, अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे, अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे। मुझको मतलब नहीं रोक सकते गे, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली सबको सब से मिलाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली। कि अब कभी छुप छुप के नमाजें ना अजाने होंगी। बहुत ऐसे नहीं, ये बहुत रंग का शेर है, कहे सुभान अल्लाह। चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा आपकी, तड़प तड़प इंशाल्लाह मैं देखना चाहूंगा। अब कभी छुप छुप के नमाजें ना अजाने होंगी, अब कभी छुप छुप के नमाजें ना अजाने होंगी। अरे बंद पूछे हिली की अब सारी दुकाने होंगी, कि अब कभी छुप छुप के नमाजें ना अजाने होंगी, बंद पूछे हिली की अब सारी दुकाने होंगी। अब कभी छुप छुप के नमाजें ना अजाने होंगी, बंद पूछे हिली की अब सारी दुकाने होंगी। अब कभी छुप छुप के नमाजें ना अजाने होंगी, बंद पूछे हिल की अब सारी दुकाने होंगी। के हाथ में लेके उमर बोल पड़े, हाथ में लेके ये तलवार उमर बोल पड़े। अरे भाग जाओ वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी। हाथ में लेके ये तलवार बोल पड़े, अरे भाग जा वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी, भाग जा वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी, भाग जा वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी। आज लोग दावा तो बहुत करते हैं, हम भी करते हैं, दुनिया के जितने मुसलमान हैं सब दावा करते हैं इस चीज का कि हम आशिक रसूल हैं। दावा करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ दावा से काम नहीं चलेगा। आइए इसी हवाले से आफ्ताब रहबर कलकत्तवी एक मतला यहीं से छेड़ता है और आप हजरात की खूबसूरत समातों के हवाले करता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर तू 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 है मोमिन मुसलमान बंदा, सुभान अल्लाह। कि अगर तू है मोमिन मुसलमान बंदा तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कलाम का हमने इंतखाब किया है, हाथ उठा के एक मर्तबा सुभान अल्लाह। कि अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू है मोमिन मुसलमान बंदा तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा, तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा। कि अगर तू है मोमिन सुभान अल्लाह, अगर तू है मोमिन मुसलमान
मुसलमान बंदा तो तेरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा, तो तेरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा। है दावा तेरा के वफादार हूँ मैं, है दावा तेरा के वफादार हूँ मैं, तो शरीयत पे चल कर दिखाना पड़ेगा, तो शरीयत पे चल कर दिखाना पड़ेगा, तो शरीयत पे चल कर दिखाना पड़ेगा। जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा, अब वो शेर आप हजरात की खिदमत में हाजिर करता हूँ। इस वक्त मौलाना फिरोज साहब की खूबसूरत निजामत हो रही है, अल्लाह सलामत रखे कि उमर 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 के उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, के उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, के उमर कत्ल करने उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, अगर देख लेगा तू चेहरा नबी का, अगर देख लेगा तू चेहरा नबी का, अरे तुझे फिर तो ईमान लाना पड़ेगा, तुझे नबी तुझे फिर तो ईमान लाना पड़ेगा, तुझे फिर तो ईमान लाना पड़ेगा। और उलमा इकराम तशरीफ फरमा है हमारे आकाबिरीन, तारीख के हवाले से आफ्ताब रहबर एक शेर और पढ़ने लगा है, मुलाहिजा फरमाए। कहा कि कहा सौर के गार में सांप ने ये, सिद्दीक अकबर तू मेरी भी सुन ले, सिद्दीक अकबर तू मेरी भी सुन ले, कहाँ सौर के गार में सांप ने ये, कहाँ सौर के गार में सांप ने ये, सिद्दीक अकबर तू मेरी भी सुन ले, कहाँ सौर के गार में सांप ने ये, सिद्दीक अकबर तू मेरी भी सुन ले, ऐसे देख अकबर तू मेरी भी सुन ले, के कहाँ सौर के गार कहाँ सौर के गार में सांप ले ये, ऐसी दीप अकबर तू मेरी भी सुन ले, ऐसी दीप अकबर तू मेरी भी सुन ले, कि ज़ियारत को कब से परेशान हूँ मैं, कि ज़ियारत को कब से परेशान हूँ मैं, अरे तुझे पाँव बिल से हटाना पड़ेगा, तुझे पाँव बिल से हटाना पड़ेगा। दिन रात जलसा होता है, अकाबिरीन उलमाए देवबंद की पूरी दुनिया में गुफ्तगू होती है, लेकिन हमारे अकाबिरीन कहना क्या चाहते हैं, उस गुफ्तगू में ये कहना क्या चाहते हैं, हाजिर करता हूँ एक शेर, मुलाहिजा फरमाए, अगर कुछ कह दिया हो तो मुलाहिजा फरमाए। ये दिल के मुबल्लिग
ये उलमाए मिल्लत शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, ये दीन के मुबल्लिग मुबल्लिग या उलमाए मिल्लत शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, शबो रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, कि अगर तेरा रब तुझ से रूठा हुआ है, अगर तेरा रब तुझ से रूठा हुआ है तो सजदे में रोकर मनाना पड़ेगा, तो सजदे में रोकर मनाना पड़ेगा। अभी मेरे पास 10 मिनट और है, लेकिन 5 मिनट ही मैं अपनी जगह लूंगा। वो पीछे के जो नौजवान हैं, मैं देख रहा हूँ आपका इशारा, वो यूं कर रहे हैं, इसका मतलब वो सांप दस्ता रहा। एक मतलब और सिर्फ दो बंद पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आप पूरी दुनिया में ये कलाम मशहूर, और जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि ये कलाम आप पढ़ दीजिए, उसके बाद कुछ पढ़े ना पढ़े आपकी पेमेंट हो गई। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। कि आप कहूँ फुल वरा, सिर्फ दो बंद का वादा किया है। कि आप कहूँ फुल वरा, आप नूरुल हुदा, आप कहूँ फुल वरा, आप नूरुल हुदा, आपके जैसा रुतबा किसी का नहीं, आप महबूब रब, आप शाहे अरब, आप महबूब रब, आप शाहे अरब, आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं, आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं, आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं। पहला बंद आफ्ताब रहबर पहुंचाता है मौलाना फिरोज साहब की निजामत, खूबसूरत मसले हत बन के कुदरत का ताला भी है, गार के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है, के मसले हक बन के कुदरत का ताला भी है, गार के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है, साथ बू बकर अल्लाह वाला भी है, दिल में इश्क नबी का उजाला भी है, गार के सौर में नाग काला भी है, गार के सौर में नाग काला भी है, बिल में सिद्दीक ने पांव डाला भी है, सांप डसता रहा वो डटे रह गए, सांप डसता रहा वो डटे रह गए, सांप डसता रहा वो डटे रह गए, इश्क ऐसा निराला किसे का नहीं, इश्क ऐसा निराला किसी का नहीं। और आखिरी बंद मुलाहिदा फरमाए कि चूर को जहन में रखिए और मुझे इजाजत दीजिए आखिरी बंद के चूर के चूर गुस्से में थे कुफर था अर्श पर, चूर गुस्से में थे
कुफर था अर्श पर नंग तलवार लेकर बेखौफो खतर के चूर गुस्से में थे कुफर था अर्श पर नंग तलवार लेकर बेखौफो खतर कत्ल करने को आए थे हजरत उमर जब पड़ी है मेरे मुस्तफा की नजर रख दिया कर तने कुफर को काट कर रख दिया कर तने कुफर को काट कर बोल तलवार हजरत उमर फेंक कर अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे आपके जय सचेरा किसे का नहीं आपके जय सचेरा किसी का नहीं।